नेशनल हेल्थ मिशन के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इनके अचानक खात्मे के खिलाफ और अपनी खदमात को जारी रखने के लिए दबाव डाला। सरकारी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने ऐसे 2000 से ज़ायद मुलाजमीन को खदमात से फारिग कर दिया है। NHM के एक मुलाजिम शाहिद बशीर ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ इस्तेमाल और फेंकी की पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता साल COVID-19 की पहली लहर के उरूज पर वादी भर के अस्पतालों में खदमात में शामिल हुए थे, जब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं आना चाहता था। इन्होंने मजीद बताया कि हमने अपनी जानों को खतरे में डाल दिया था। कोविड मरीजों के साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। हमने अपने नंगे हाथों से लाशें भी उठाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें खत्म कर दिया और हमें फेंक दिया। हमसे वादा किया गया था कि अगर हमने बेहतरीन तरीके से खिदमत अंजाम दिए तो हम खिदमत में बाकायदा हो जाएंगे, लेकिन रेगुलराइजेशन के बजाय इन्होंने बदतरीन कोविड दौर में हमें इस्तेमाल करने के बाद बाहर फेंक दिया। दरियाए असलम मुख्तलिफ तबी इदारों के प्रिंसिपल और HOD ने अस्पतालों में NHM मुलाजमीन को जारी रखने के लिए आला हुकाम को अपनी सिफारिश पेश की है। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने रेगुलराइजेशन का मुतालबा किया और हुकाम पर जोर दिया कि वो इन्हें बरतरफ करने के अपने फासले पर नजरसानी करे। आइए अब देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना हक मांगते हैं। शैतान-ए-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि आज हमारे NHM मुलाजिम जिस वक्त कोविड बड़े पीक पे चल रहा है उस टाइम यहाँ तो उनको जॉब दिया है। आज कोविड तो मौजूद ही है, कोविड तो नहीं निकला है, तो इनको आज निकाल रहे हैं। ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है कि हमारे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ आज नाइंसाफी हो रही है। ये तानाशाही कब तक चलेंगे, ये तानाशाही सरकार जम्मू कश्मीर के लोग कब तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आज मैं इंसाफ मांग रहा हूँ कि हमारे बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बेटों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उस टाइम इनको जॉब दिया है आज क्यों निकाल रहे हैं। अगर बाकी मुल्कों में जॉब मिलता है हमारे J&K में, स्टेट में, ये क्यों छीन लेते हैं। ये शर्म की बात है। ये तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर ये बब्बर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बब्बर शेर इन